हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Y&8 Lifestyle। दोस्तों, शरीर के कुछ हिस्से काले पड़ जाते हैं। कोनी, घुटने और गर्दन का रंग जल्दी काला पड़ जाता है। इसका मतलब है कि आपको इन हिस्सों पर खास ध्यान देना होगा, अन्यथा इसका रंग और ज्यादा डार्क हो जाएगा। आप साफ और चमकदार कोनी के लिए स्क्रब का इस्तेमाल कर सकती हैं। ज्यादातर नेचुरल चीजें स्किन के लिए काफी अच्छी होती हैं। हालांकि ये स्किन टाइप पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके किचन में ही जो कुछ चीजें हैं उनकी मदद से आप घर पर स्क्रब बना सकती हैं और अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों पड़ते हैं कोनी और घुटने काले। नंबर एक, दोस्तों जब हम स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं तो इससे डेड स्किन बनने लगती है, जिसकी वजह से स्किन काली दिखने लगती है। नंबर दो, धूप के अधिक संपर्क में आने से त्वचा का रंग डार्क होने लगता है, यानी हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या हमें हो जाती है। नंबर तीन, शरीर में हार्मोन्स बदलाव के कारण भी शरीर के कुछ अंग का रंग काला पड़ जाता है। नंबर चार, कई बार किसी प्रोडक्ट्स के रिएक्शन की वजह से भी स्किन का कलर डार्क होने लगता है। नंबर दो, करें इन तेल का इस्तेमाल। दोस्तों, तेल त्वचा को कई तरह से फायदा पहुंचाता है, इसलिए स्किन केयर में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इन तेल में फैटी एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो शरीर के डार्क एरिया को मॉइस्चराइज करके दिन पर दिन लाइट करता रहता है। आपको 3 से 4 चम्मच नारियल का तेल लेना है और थोड़े से व्हाइट तिल, उसमें 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल की मिला लें। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, तैयार है आपका घरेलू नुस्खा। इस पैक को अपने कोहनी और घुटनों पर लगाएं। कुछ देर कोहनी और घुटने पर लगा रहने दें और रगड़ते हुए इसको उतार दीजिए, और फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने कोहनी और घुटने को वॉश कर लें। नंबर तीन, चलिए अब जानते हैं ऑलिव ऑयल लगाने के फायदे। दोस्तों, अगर आपके हाथ पैर ड्राई रहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैतून के तेल को लगाने से रूखापन कम होने लगता है। त्वचा पर जैतून का तेल लगाने से स्किन डैमेज भी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आप इस ऑयल का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज कर सकती हैं। नंबर चार, इन बातों का रखें ध्यान। नंबर एक, दोस्तों अपने चेहरे के साथ साथ अपनी कोहनी और घुटने को भी स्क्रब करना चाहिए। इससे डेड स्किन रिमूव हो जाती है और स्किन साफ रहेगी। आप ओटमील जैसे घरेलू नुस्खे भी अपना सकती हैं। नंबर दो, फेस के साथ साथ कोहनी को भी मॉइस्चराइज रखें। इसके लिए आप बाजार में मिलने वाले मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर घरेलू चीजों से भी उपयोग करके अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकती हैं। साथ ही सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर्दियों में सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आप अगर इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं तो इससे आपकी स्किन डल पड़ने लगती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।